Hello students, welcome to the another video of my channel. This is Sunil Makhijani, your physics teacher. आज जिस टॉपिक पे ये मैं वीडियो बना रहा हूँ वो टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, हार्डली एक या दो क्वेश्चन उसमें से नीट एग्जाम में आता है और सिंपल टॉपिक है काफ़ी. आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है इलास्टिसिटी. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, एक क्वेश्चन हार्डली आ सकता है नीट एग्जाम में इसके ऊपर. सो आज इसकी जो भी पॉइंट्स हैं विच आर रिक्वायर्ड टू बी रिमेंबर्ड फ्रॉम दिस चैप्टर वो आज डिस्कस कर लेते हैं, थियरी ऑफ दिस. ठीक है, ठीक है. सबसे पहले एक टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, इंटर एटॉमिक फोर्सेस. देखिए ध्यान से सुनना, किसी भी सॉलिड सब्सटेंस के अंदर जो भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं तो दो एटम्स के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, ठीक है, और जिसको आप केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बॉन्ड कहते हैं. सो जो अट्रैक्शन फोर्स होता है दो एटम्स के बीच में, इंटर एटॉमिक फोर्सेस उसी को बोलते हैं. ठीक है, इंटर एटॉमिक फोर्सेस आर द रीजंस फॉर द इलास्टिसिटी. इन्हीं फोर्सेस की वजह से सब्सटेंस में इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी आती है. जिस सब्सटेंस में इंटर एटॉमिक फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं उस सब्सटेंस में इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है. तो जब भी हम इलास्टिसिटी पढ़ते हैं तो सबसे पहले इंटर एटॉमिक फोर्सेस की थोड़ी जानकारी होनी चाहिए. अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान से इसको समझिए. लेट से ये दो एटम्स हैं विच इज़ ए एंड बी. ओके, इन दोनों एटम्स के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसको मैं डिनोट कर रहा हूँ आर सिम्बल से. और इन दोनों एटम्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, ओके, उस अट्रैक्शन फोर्स को आई एम डिनोटिंग बाय द सिंबल एफ. जो अट्रैक्शन है उसको एफ से डिनोट कर देता हूँ. ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ. ओके, ग्राफ के एक्स एक्सिस पे आई एम प्लॉटिंग आर, वाई एक्सिस पे आई एम प्लॉटिंग एफ. ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे मैंने प्लॉट किया डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स और वाई एक्सिस पे प्लॉट किया फोर्स बिटवीन टू एटम. अब ये जो फोर्स है जो हमने अभी बताया, ये जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है. सपोज अगर ये फोर्स एग्जांपल अगर ये रिपल्सिव है तो रिपल्सिव फोर्स को हम लोग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में प्लॉट करते हैं. रिपल्सिव फोर्स इज टेकन एज अ पॉजिटिव, रीज़न मैं आपको बताऊँगा. और अट्रैक्टिव फोर्स जो है उसको निगेटिव कंसिडर किया जाता है ग्राफ पे. तो अगर फोर्स अट्रैक्टिव होगा तो आई विल प्लॉट इट ऑन द नेगेटिव आई एक्सिस. अब देखिए, इमेजिन कीजिए कि स्टार्टिंग में ये दोनों एटम्स इन्फिनिटी पे हैं. इमेजिन दैट, सपोज दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, दे आर ऑलमोस्ट एट इन्फिनिटी, आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी. जब ये दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होगा ना तो दोनों के बीच में जो फोर्स है वो नेग्लिजिबल होगा. थिंक अगर दोनों एटम्स के बीच में एक मीटर का डिस्टेंस है, इतने ज़्यादा डिस्टेंस पे दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएंगे. तो एक मीटर का डिस्टेंस भी दो एटम्स के लिए इन्फिनिटी जैसा होता है. तो इतने डिस्टेंस पे फोर्स नेग्लिजिबल होगा. ठीक है, तो उसको मैं देखिए ग्राफ पे कहाँ कैसे डिनोट करता हूँ. अब मैं ग्राफ पे ये थोड़ा सिचुएशन बना लेता हूँ. ये देखिए, ये जो लाइन दिख रही है ये वाले, ये इंडिकेट कर रही है कि आर काफ़ी ज़्यादा है, मतलब आर ऑलमोस्ट इन्फिनिटी है और अट्रैक्टिव फोर्स है बट वो काफ़ी कम है. तो दिस सिचुएशन इज जनरेटेड बाय दिस ग्राफ. अब आगे बढ़ते हैं, जैसे ही डिस्टेंस दोनों के बीच में नियरली 10^-10 के ऑर्डर में जाता है, व्हेन डिस्टेंस बिकम दिस वन मीन्स आर डिक्रीज हुआ, ठीक है, तब यहाँ पे दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो सिग्निफिकेंट हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे को अट्रैक्टिव फोर्स एग्जर्ट करने लगते हैं. जैसे जैसे आर डिक्रीज होता है, आर डिक्रीज हो रहा है मतलब दोनों एटम एक दूसरे के नियर आते जा रहे हैं. एज आर डिक्रीजेस द अट्रैक्टिव फोर्स स्टार्ट्स इंक्रीजिंग. दैट्स वाई ये जो ग्राफ है, ग्राफ कुछ ऐसा हो जाता है. ठीक है, इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ते जा रहे हैं. ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, अगर आपने आर को और डिक्रीज करते जाएंगे, एज यू गो ऑन डिक्रीजिंग आर, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स अपने पीक पे पहुंच जाता है. ठीक है, लेकिन अब क्या होता है, बहुत ज़्यादा नज़दीक आने पे इन दोनों एटम्स के बीच में रिपल्शन भी स्टार्ट हो जाता है. ओके, सो होता क्या है कि रिपल्शन भी होने लगता है. जैसे जैसे आप आर को डिक्रीज करेंगे, दोनों एटम्स के बीच में रिपल्शन इसलिए होता है क्योंकि
एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के न्यूक्लियस को रिपेल करता है, और एक एटम का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को रिपेल करता है। तो इसके लिए क्या होता है, अट्रैक्शन बढ़ते बढ़ते पीक पे पहुँचता है, फिर अट्रैक्शन डिक्रीज होने लगता है। यहाँ पे भी अट्रैक्शन ने डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अट्रैक्शन डिक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि रिपल्शन भी आ रहा है, तो नेट अट्रैक्शन विल डिक्रीज। ऐसे करते करते जैसे जैसे आप आर डिक्रीज करते जाओ, डिक्रीज करते जाओ, एक पॉइंट पे क्या होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो हो जाएगा। अट्रैक्शन फोर्स जीरो नहीं हो गया, एक्चुअली हुआ क्या है कि अट्रैक्शन एंड रिपल्शन हैज़ बिकम इक्वल। सो ग्राफ पे जो ये पॉइंट है, ध्यान से देखिए, ये पॉइंट इंडिकेट कर रही है कि नेट फोर्स जीरो हो गया है क्योंकि रिपल्शन एंड अट्रैक्शन हैव बिकम इक्वल। तो ये जो डिस्टेंस है, सी दिस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है दोनों एटम्स के बीच में, ये जो डिस्टेंस है जहाँ पे अट्रैक्शन जीरो हो गया, उस डिस्टेंस को बोलते हैं आर नॉट। मतलब जब दो एटम आर नॉट डिस्टेंस पे होते हैं एक दूसरे के, ठीक है, तो दोनों के बीच में जो फोर्स है वो जीरो हो जाता है, बिकॉज जितना अट्रैक्शन होगा उतना ही रिपल्शन होगा। मॉलिक्यूल जब फॉर्म होता है या जब ये एटम इक्विलिब्रियम में होते हैं, तब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आर नॉट ही अज्यूम किया जाता है। आर नॉट इज़ अ डिस्टेंस जब मॉलिक्यूल फॉर्मेशन टेक प्लेस। अब अगर आप आर को और डिक्रीज करोगे, सपोज हमने आर को और डिक्रीज किया, ठीक है, आर को और डिक्रीज करने का मतलब है एटम्स और एक दूसरे के नज़दीक आएंगे। जैसे ही एटम एक दूसरे के और नज़दीक आते हैं, तो हमने देखा है कि रिपल्शन अभी और डोमिनेटिंग होने लगता है, एंड ग्राफ इसलिए पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जाएगा। सो दिस इज अ ग्राफ ऑफ फोर्स वर्सेस डिस्टेंस। इसमें आपको याद करना है कि ये जो पॉइंट है ग्राफ पे, ये देखिए ये वाली पॉइंट, ये पॉइंट पे नेट फोर्स जीरो है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, सो आई होप ये ग्राफ समझा आपने। अब नेक्स्ट एक चीज़ बता देता हूँ, इस टाइप की सिचुएशन में जब दोनों एटम को एक दूसरे के नज़दीक लाते जा रहे हैं, नज़दीक लाते जा रहे हैं, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम की, द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम इज डिनोटेड बाई यू सिंबल। ओके, द वर्क डन टू ब्रिंग दीज एटम्स क्लोजर, दैट वर्क स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे आप सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना होगा, दैट नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी माइनस डी यू बाई डी आर इज इक्वल टू फोर्स, ठीक है। देखिए कभी कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपको पोटेंशियल एनर्जी यू गिवन होगी, दे विल गिव यू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू एटम सिस्टम। तो यू गिवन होगा, तो आप यू का डेरिवेटिव ले लो विद रिस्पेक्ट टू आर, माइनस साइन लगा दो, तो आपको ये जो एफ है, एफ इज़ अ फोर्स ऑफ इंटर एटॉमिक फोर्स, वो आपको मिल जाएगा। अब इसी फॉर्मूला को हम लोग थोड़ा ऐसे करके भी लिख सकते हैं, दैट डी यू इज इक्वल टू माइनस एफ डी आर, उसका इंटीग्रेशन, ठीक है। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने पे आपको पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। सो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इज गिवन बाय माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी आर। ओके, सो ये सब फॉर्मूलाज आपको इस टॉपिक से ध्यान में रखनी है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ग्राफ, और उसके साथ साथ ये समझ के लेना होगा कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालना है, और ये फोर्स कैसे निकालना है। सो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। अब मैं दूसरे पॉइंट पे जा रहा हूँ। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट ये रहेगी, एलॉन्गेशन ऑफ वायर अंडर इट्स ओन वेट, ठीक है। अब ये क्या है, ध्यान से देखो। सबसे पहले लेट्स से दिस इज सीलिंग ऑफ एनी रूम और समथिंग, ये सीलिंग है, ठीक है। सीलिंग से एक इलास्टिक मटेरियल से बनी हुई वायर हैंग हो रही है लाइक दिस। ओके, अब इसका जो लेंथ है, द लेंथ ऑफ दिस वायर, लेंथ इज लेट्स से एल। ओके, इसका लेंथ एल है, और ये ध्यान से देखना, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। अब होता क्या है कि यूजुअली जब हम लोग कोई वायर लेते हैं तो उसकी लेंथ कितनी होती है, हार्डली 50 मीटर, 50 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 100 मीटर्स, ज़्यादा लेंथ तो हम लोग नहीं ले सकते। मतलब हार्डली जो लेंथ हम लोग लेते हैं किसी वायर की, वो हार्डली मीटर में होती है, ठीक है। बहुत लंबी वायर जो किलोमीटर में हो, इतनी बड़ी वायर तो नहीं लेते। तो जो हम लोग वायर लेते हैं वो यूजुअली मीटर में उसकी लेंथ होती है। तो ये छोटी वायर्स हो गई, इनका मास भी कम होता है। लेकिन अगर सपोज मैं ऐसे अज्यूम करूँ कि बहुत ही
बड़ी वायर है, इट्स लेंथ इज टू लार्ज सच दैट इट्स लेंथ इज इन किलोमीटर, तो इस वायर का अपना मास भी काफ़ी ज़्यादा होगा। इस वायर का जो मास है, लेट से द मास ऑफ दिस वायर इज एम, ये पूरा मास है ना, हम लोग ऐसे अज्यूम कर सकते हैं फिजिक्स के टॉपिक्स में कि जो पूरा मास है वो सेंटर ऑफ मास पे लोकेटेड है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, वी कैन अज्यूम दैट एंटायर मास इज लोकेटेड ऑन द सेंटर ऑफ मास। सो इसको जो डाउनवर्ड फोर्स पुल करेगा, दैट फोर्स यू नो इट्स एम जी, एम जी इज द वेट ऑफ द वायर। लेकिन ये एम जी किस पॉइंट से एक्ट करते हुए दिखाएंगे, ये हम लोग एम जी दिखाएंगे सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करते हुए। सपोज द एम जी फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सेंटर ऑफ मास, ओके। सो मतलब वायर के एल बाय टू डिस्टेंस पे पूरा का पूरा जो वेट है एम जी, वो उसके ऊपर एक्ट हो रहा है। अब होता क्या है कि जब ये वायर बहुत लंबी होती है, लेट्स से दिस लेंथ ऑफ दिस वायर इज इन किलोमीटर्स, तो इसका मास भी काफ़ी लार्ज होता है। ऑब्वियसली अगर आप 10-15 किलोमीटर लंबी स्टील की वायर लेंगे तो 10-15 किलोमीटर लंबी वायर का मास भी काफ़ी ज़्यादा होगा। सो उसका मास ज़्यादा है इसलिए उसका वेट दैट इज़ एम जी भी लार्ज होगा। तो इस एम जी की वजह से, बिकॉज ऑफ इट्स ओन वेट, वायर इलांगेट करती है। दिस लार्ज एम जी लीड्स टू इलांगेशन। तो अब हमें वो इलांगेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ऑल ऑफ यू आर अवेयर विद दिस फॉर्मूला, वाई इक्वल्स टू एम जी एल डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एल, ओके। सो इसमें से डेल्टा एल की फॉर्मूला बनाओ, बी एम जी एल डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर डेल्टा एल, पाई आर स्क्वायर वाई। ओके ओके लेकिन एक बात बताइए, जो ये फॉर्मूला है आपके सामने, ये फॉर्मूला से हम लोग एलांगेशन निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें एल क्या होता है? एल इज़ द लेंथ ऑफ वायर, ओके। और एम जी क्या है? वेट एक्टिंग ऑन द वायर। यहाँ पे हमारे सिचुएशन में एम जी तो हम लोग वायर का वेट ले लेंगे, लेकिन एम जी जो है वो एल बाय टू लेंथ पे एक्ट हो रहा है। मतलब एल बाय टू लेंथ है जो ये वाली, इस लेंथ के नीचे एम जी बाय टू एक्ट हो रहा है। तो इसके लिए सिर्फ आप याद रखो कि यहाँ पे लेंथ आपको एल नहीं लेनी है, एल बाय टू लेनी है, एज इफ एल बाय टू लेंथ की वायर है जिसके ऊपर ये वेट एक्ट हो रहा है। तो जस्ट एक ध्यान रखो, इसमें लेंथ को एल बाय टू लेना है, बिकॉज सेंटर ऑफ मास पे पूरा वेट फोकस्ड है, ओके। तो मतलब एल बाय टू लेंथ के नीचे वेट लग रहा है। इसमें एम क्या है? एम इज़ अ मास ऑफ द वायर, जिसको हम लोग लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ द वायर इंटू वॉल्यूम ऑफ द वायर। तो वॉल्यूम ऑफ द वायर विल बी पाई आर स्क्वायर एल, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हमने लिख दिया, इंटू जी एल बाय टू, और नीचे है पाई आर स्क्वायर इंटू वाई। दिस इज एलोंगेशन प्रोड्यूस इन द वायर बिकॉज ऑफ इट्स ओन वेट। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर कैंसिल होगा, ठीक है। अब देखिए क्या बचा, इट्स रो जी एल स्क्वायर बाय टू वाई, दिस इज नथिंग बट डेल्टा एल, एलोंगेशन, ओके। सो दिस इज एलोंगेशन प्रोड्यूस इन अ वायर बिकॉज ऑफ इट्स ओन वेट, ठीक है। एक दो बार इस फॉर्मूला को आप बोल के देखो और उसको बाद में फिर आपको याद हो जाएगी। तो द एलोंगेशन बिकॉज ऑफ इट्स ओन वेट इज गिवन बाय रो जी एल स्क्वायर बाय टू वाई, ओके, रो जी एल स्क्वायर बाय टू वाई। सो ट्राई टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ओके। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आगे जा रहा हूँ, ओके। नेक्स्ट है ब्रेकिंग स्ट्रेस, ठीक है। अब ये क्या होता है, ध्यान से देखिए। सपोज इट्स अ वायर ऑफ एन इलास्टिक मटेरियल, वायर का लेंथ एल है, ठीक है। सपोज हम लोग इस वायर के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं एफ, ठीक है। जैसे जैसे आप फोर्स इंक्रीज करेंगे, ठीक है, एज यू इंक्रीज द फोर्स, वायर में इलांगेशन भी इंक्रीज होगा, वायर खींचती जाएगी, लंबी होती जाएगी, इलांगेशन बढ़ेगा। सबसे पहले क्या होगा, वायर अपनी इलास्टिक लिमिट को एक्सीड करेगा। इलास्टिक लिमिट क्या होती है? जब वायर में परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि वायर ने अपनी इलास्टिक लिमिट को एक्सीड कर दिया, ठीक है। सो एज यू कीप ऑन स्ट्रेचिंग द वायर, तो वायर अपने इलास्टिक लिमिट को एक्सीड कर देगा, मतलब वायर में परमानेंट डैमेज आने लगेगा, ठीक है। उसके बाद भी हम लोग सपोज वायर को खींचते ही जा रहे हैं, एज यू गो ऑन इंक्रीजिंग द फोर्स, इलांगेशन विल ऑल्सो गो ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। बॉडी खींचती जाएगी, खींचती जाएगी, और साथ में वीक होती जाएगी,
ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, एक पर्टिकुलर फोर्स पे क्या होगा कि वायर विल बी अबाउट टू ब्रेक, वायर जस्ट अभी ब्रेक होने ही वाली है, ठीक है, वो फोर्स जिस पे वायर इज अबाउट टू ब्रेक या लगभग ब्रेक होने वाली है, उसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम फोर्स, एफ मैक्स। ठीक है, एफ मैक्स क्या है, द मैक्सिमम फोर्स एट विच द वायर इज अबाउट ब्रेक। तो जितना ये वायर फोर्स हैंडल कर सकती है ब्रेक होने से जस्ट पहले, मैक्सिमम फोर्स जो ये हैंडल कर पाती है उसको हमने लिखा एफ मैक्स। ठीक है, अब होता क्या है कि अगर ये एफ मैक्स डिवाइड बाय एरिया करोगे तो ये हो गया फोर्स बाय एरिया, तो ये हो गया मैक्सिमम स्ट्रेस जो वायर हैंडल कर पाएगी बिफोर इट ब्रेक्स। इस मैक्सिमम स्ट्रेस को ही हम लोग बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस की बेसिकली फॉर्मूला क्या है, ब्रेकिंग स्ट्रेस इज द मैक्सिमम फोर्स दैट वायर कैन हैंडल बिफोर ब्रेक डिवाइड बाय एरिया ऑफ द वायर, ए इज़ द इनिशियल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसको बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस। ब्रेकिंग स्ट्रेस को सपोज हम बी सिंबल से डिनोट करेंगे, ठीक है, सिंबल बी से। अब देखिए ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है ना बी, वो ये कहा जाता है कि ब्रेकिंग स्ट्रेस कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है, कॉन्स्टेंट है। ये मतलब अगर आप एरिया को बढ़ाएंगे तो ब्रेकिंग स्ट्रेस नहीं बढ़ेगा। ब्रेकिंग स्ट्रेस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, हर मटेरियल का अपना अपना ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है। ब्रेकिंग स्ट्रेस डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, मतलब स्टील का ब्रेकिंग स्ट्रेस अपना होगा। अब स्टील की आप मोटी वायर लो या छोटी वायर लो या लंबी वायर लो या पतली वायर लो, उसका ब्रेकिंग स्ट्रेस फिक्स होगा। अगर आप स्टील को छोड़ के कॉपर की वायर ले लेंगे तो ब्रेकिंग स्ट्रेस चेंज हो जाएगा। द ब्रेकिंग स्ट्रेस डिपेंड्स ऑन मटेरियल। ऑब्वियसली जो टफ मटेरियल होते हैं, जो बहुत ही सॉलिड मटेरियल होते हैं, उनका ब्रेकिंग स्ट्रेस भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस एक कॉन्स्टेंट चीज़ है, लेकिन एफ मैक्स जो है, एफ मैक्स कॉन्स्टेंट नहीं है। ये कहा जाता है कि जो एफ मैक्स है, द मैक्सिमम फोर्स दैट वायर हैंडल्स, एफ मैक्स फोर्स इज डिपेंडिंग ऑन द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। एफ मैक्स एरिया पर डिपेंड करता है, ब्रेकिंग स्ट्रेस डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया, ठीक है। इसका आप एग्जाम्पल ले लेते हैं एफ मैक्स हाउ इट डिपेंड्स ऑन एरिया। एक इमेजिन करो कि हम लोग स्टील की एक पतली सी वायर ले लें और एक स्टील की बहुत मोटी वायर ले लें। सो आपको क्या लगता है, स्टील की पतली वायर और एक स्टील की बहुत मोटी वायर, दोनों वायर एक जितना फोर्स हैंडल कर पाएंगी ब्रेक होने से पहले? नहीं। यू कैन अंडरस्टैंड, जो पतली वायर है वो कम फोर्स पे ही ब्रेक होगी और जो मोटी वायर है वो बहुत ज़्यादा फोर्स हैंडल करेगी बिफोर इट ब्रेक्स। सो मोटी वायर का एरिया ज़्यादा होगा तो उसका फोर्स जो वो हैंडल कर सकती है एफ मैक्स, वो भी ज़्यादा होगा। तो एफ मैक्स प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। इन दी नेक्स्ट स्टेप आप ऐसे याद करो कि इसको रिमूव करके हम लोग जो कॉन्स्टेंट डालेंगे वो है बी। दिस बी इज़ अ ब्रेकिंग स्ट्रेस। तो यहाँ से भी आप बी की वैल्यू निकालो तो इट विल कम एफ मैक्स डिवाइड बाई एरिया, ठीक है। सो ब्रेकिंग स्ट्रेस इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, एफ मैक्स डिवाइड बाय एरिया। ओके, सो दिस पॉइंट आई एक्सप्लेन। सो इन शॉर्ट जस्ट इतना याद रखो, ब्रेकिंग स्ट्रेस मटेरियल की प्रॉपर्टी है। आप स्टील का छोटा वायर लो या बड़ा वायर लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ब्रेकिंग स्ट्रेस स्टील पे डिपेंड करेगा, कॉपर का ब्रेकिंग स्ट्रेस अलग होगा। लेकिन जो एफ मैक्स है, द मैक्सिमम फोर्स दैट वायर कैन हैंडल बिफोर इट ब्रेक्स, तो उस फोर्स एफ मैक्स है वो एरिया पे डिपेंड करता है। अगर आपने एरिया डबल कर दी तो एफ मैक्स डबल हो जाएगा, ठीक है। सो कीप दिस पॉइंट इन माइंड। नाउ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, सो ये नेक्स्ट पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं, द ब्रेकिंग ऑफ वायर अंडर इट्स ओन वेट। पहले हमने डिस्कस किया था एलोंगेशन ऑफ वायर अंडर ओन वेट। अभी ब्रेकिंग कैसा रहता है, ध्यान से देखो। सपोज ये एक सीलिंग है, इट्स अ रूफ ऑफ एनी हाउस, ठीक है। उससे एक इलास्टिक मटेरियल से बना हुआ वायर हैंग कर रहा है लाइक दिस, ठीक है। इसके नीचे हमने कोई वेट अप्लाई नहीं किया है, लेकिन मैंने बताया था अगर ये वायर की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो, लेट्स से दिस वायर इज़ वेरी लॉन्ग, ठीक है, तो इसका मास भी बहुत ज़्यादा होता है और इसका जो मास है वो इसके सेंटर ऑफ मास से सीधा नीचे एक्ट करता है लाइक दिस, ठीक है। तो इसके ऊपर अपना खुद का वेट इसका एक्ट करेगा एम जी, ठीक है। तो ये जो इसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है, वायर के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, दैट फोर्स इज़ नथिंग बट एम जी, ठीक है। अब इमेजिन करो कि सपोज मैं लेंथ इस वायर की ज़्यादा से ज़्यादा ले रहा हूँ, मतलब सपोज मैंने पहले
10 किलोमीटर लंबा वायर लिया, अब मैं 11 किलोमीटर लंबा वायर ले रहा हूँ, फिर मैं 12 किलोमीटर लंबा वायर ले रहा हूँ, तो मैं जैसे जैसे इसकी आप लेंथ इंक्रीज करेंगे ना, तो इसका मास भी ऑब्वियसली इंक्रीज होगा वायर का, ठीक है। मास इंक्रीज होगा मतलब एम जी भी इंक्रीज होगा, तो ये एम जी इंक्रीज होता जाएगा। ओके, और जैसे जैसे एम जी इंक्रीज हो रहा है मतलब वायर के ऊपर जो फोर्स लगा रहे हो आप, वो फोर्स भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और बाय चांस अगर फोर्स एफ मैक्स पे पहुंच गया, जो वायर का जो वेट है एम जी, वो एम जी इस वायर के एफ मैक्स के इक्वल हो गया, अभी पिछली पॉइंट में हमने एफ मैक्स डिस्कस किया, अगर एम जी इतना ज़्यादा हो गया कि एम जी हैज़ बिकम इक्वल टू द एफ मैक्स ऑफ द वायर, तो ये वायर अपने खुद के वजन से ब्रेक हो सकती है। ओके, तो इसको क्लियर करने के लिए मैं फिर से एक एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान से सुनना। प्रीवियस पॉइंट में मैंने बताया था कि एफ मैक्स प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। अभी जो वायर आपके सामने दिख रही है इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा इसका एफ मैक्स। सपोज इसका एफ मैक्स 1000 न्यूटन है, मतलब द मैक्सिमम फोर्स दैट इट कैन हैंडल इट इज 1000 न्यूटन, एक एग्जाम्पल है ये, ठीक है। ये एफ मैक्स इसकी एरिया पे डिपेंड करेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया पे, तो इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया फिक्स रखी है हमने, उसके हिसाब से इसका एफ मैक्स 1000 न्यूटन है। अब जैसे जैसे आप इसकी लेंथ बढ़ाओगे, एरिया नहीं बढ़ाओ अभी, लेंथ बढ़ाओ, जैसे जैसे आप इसकी लेंथ बढ़ाओगे मतलब टेक अ लॉन्गर एंड लॉन्गर वायर, तो इसका एम जी बढ़ेगा। एम जी बढ़ रहा है मतलब इस वायर पर लगने वाला फोर्स बढ़ रहा है। सपोज इसका एम जी इक्वल टू 1000 न्यूटन हो गया, एम जी 1000 न्यूटन होने का मतलब है एम जी बिकम इक्वल टू एफ मैक्स, तभी वायर अपने खुद के वजन से टूट सकती है, ठीक है। सो यहाँ अब जब फोर्स एम जी विल बिकम इक्वल टू एफ मैक्स, जब एम जी फोर्स जो है अगर वो एफ मैक्स के इक्वल हो गया, ठीक है, तब इस वायर की जो लेंथ होगी ना, उस लेंथ को हम लोग बोलते हैं एल मैक्स, ठीक है। ठीक है, एल मैक्स इज दैट लेंथ जब वायर का एम जी उस वायर के एफ मैक्स के इक्वल हो जाता है। ऐसा एल मैक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम लेंथ है इस वायर की, अगर इससे ज़्यादा लेंथ आपने ली वायर की तो वायर इमीडिएटली ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि जैसे आप एल मैक्स से ज़्यादा लेंथ लेंगे तो वेट ऑफ द वायर भी एम जी से ज़्यादा हो जाएगा और वायर टूट जाएगी, ठीक है। तो इसलिए याद रखिए, जब द पॉइंट जब एम जी ऑफ द वायर बिकम इक्वल टू एफ मैक्स ऑफ द वायर, तब जो लेंथ होती है उसको बोलते हैं मैक्सिमम लेंथ, ठीक है। इससे ज़्यादा लेंथ हम लोग नहीं ले सकते वायर की, वायर टूट जाएगी, ठीक है। अब इसमें एम क्या है, एम इज़ अ मास ऑफ द वायर, तो उसको लिखो डेंसिटी ऑफ द वायर इंटू वॉल्यूम ऑफ द वायर पाई आर स्क्वायर एल इंटू जी। और एफ मैक्स आपको याद होगा, एफ मैक्स को लिख सकते हैं बी इंटू एरिया, वेयर बी इज़ अ ब्रेकिंग स्ट्रेस, ठीक है। अब इसमें ये एरिया और पायर स्क्वायर कट हो जाएगा, एल फाइंड करो, एल इज गिवन बाय बी बाय रो जी, ये देखिए, ठीक है। ये एल क्या है, दिस एल इज अ मैक्सिमम लेंथ दैट यू कैन हैंग, इससे ज़्यादा बड़ी वायर लेकर आप उसको हैंग नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा बड़ी वायर लेकर अगर हैंग किया तो वो वायर अपने वजन से ही टूट जाएगी। ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ वी गॉट दिस, इट इज़ द मैक्सिमम लेंथ दैट यू कैन टेक ऑफ दिस वायर विदाउट ब्रेकिंग इट, इससे ज़्यादा लेंथ लिया तो वायर अपने वजन से ही टूट जाएगी, ठीक है। इसमें बी अगेन आई एम टेलिंग, बी ब्रेकिंग स्ट्रेस है, रो डेंसिटी है, बी एंड रो बोथ डिपेंड्स ऑन द मटीरियल, और जी तो आपको पता है इट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। ओके, आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज फोर्स कॉन्स्टेंट ऑफ अ वायर, ठीक है। सबसे पहले इस टॉपिक को मैं समझा देता हूँ। सी, आपको याद होगा कि अगर एक स्प्रिंग होती है, अगर हमने एक स्प्रिंग ले ली, तो हर स्प्रिंग का अपना एक स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, जिसको आप स्प्रिंग कांस्टेंट या के लिख सकते हो। इस के इज़ ऑल्सो नोन एज फोर्स कांस्टेंट। अब स्प्रिंग की के हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, कि सब आपने एक स्प्रिंग लिया, इस स्प्रिंग के ऊपर हमने इस तरफ से ऐसे फोर्स लगाया, तो स्प्रिंग स्ट्रेच होता है। लेट्स से द स्प्रिंग स्ट्रेचेस बाय द एक्स मीटर्स, एक्स इज़ अ एलोंगेशन इन द स्प्रिंग। सबको याद होगा जब ये स्प्रिंग रुक जाता है, लेट्स से दिस स्प्रिंग कम्स इन इक्विलिब्रियम, तो मैं लिख सकता हूँ द फोर्स अप्लाइड ऑन द स्प्रिंग दैट इज एफ
इट्स इक्वल टू द रीस्टोरिंग फोर्स इन द स्प्रिंग, दैट इज के एक्स। एफ इक्वल टू के एक्स लिखा जाता है, ठीक है। इसमें से हम लोग के निकाल सकते हैं, के इज गिवन बाय एफ बाय एक्स। ओके ओके, सो फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर, सॉरी ऑन द स्प्रिंग डिवाइडेड बाय इलांगेशन, दिस इज के। के को हम लोग कहते हैं फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। तो किसी भी स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट कैसे निकाला जाता है, इट्स फोर्स पर यूनिट इलांगेशन, फोर्स डिवाइडेड बाय इलांगेशन। ट्राई टू रिमेंबर दिस। ओके, अब सपोज हम लोग स्प्रिंग नहीं ले रहे हैं, लेट्स से वी टेक अ वायर, ये एक वायर है लाइक दिस। ओके, इट्स अ वायर, इस वायर के ऊपर हमने एफ फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। तो आपको पता है क्योंकि ये जो वायर है इस पर एफ फोर्स अप्लाई करने पर ये वायर भी इलांगेट होगा। लेट्स से द वायर ऑल्सो इलांगेट बाय एक्स मीटर। वेट अ सेकेंड। ओके, सबको इस वायर पे ऊपर फोर्स लगाने पे वायर भी इलांगेट होगा बाय एक्स मीटर, ठीक है। तो वायर का यंग्स मॉडुलस हम लोग ऐसे निकालते हैं, याद है, इट इज़ फोर्स डिवाइड बाय एरिया, ये हो गया स्ट्रेस, एक्स डिवाइड बाय एल, ये हो गया स्ट्रेन, ठीक है। ये यंग्स मॉडुलस की फॉर्मूला है, रिमेंबर एफ बाय ए इज अ स्ट्रेस, एक्स अपॉन एल इज अ स्ट्रेन, सो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज यंग्स मॉडुलस। इसमें आप एफ की वैल्यू निकालो, एफ विल बी गिवन बाय वाई ए एक्स डिवाइडेड बाई एल, ठीक है। अगर आप इस इक्वेशन को, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर टू को इक्वेशन नंबर वन से कंपेयर करेंगे, दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों केसेस में एफ इज अ फोर्स अप्लाइड ऑन द वायर और द स्प्रिंग, दोनों केसेस में एक्स डिनोट्स द एक्सटेंशन और इलांगेशन प्रोड्यूस। सो क्लियरली समझ में आता है कि यहाँ पे जो के है, के का रोल वाई ए अपॉन एल प्ले कर रहा है, दैट्स वाई ऐसे कहा जाता है कि जो के है, के ऑफ द वायर, द फोर्स कॉन्स्टेंट ऑफ द वायर इज गिवन बाय वाई ए बाई एल। ओके, तो जैसे हर स्प्रिंग का स्प्रिंग कॉन्स्टेंट होता है, वैसे ही हर वायर का भी स्प्रिंग कॉन्स्टेंट होता है, जिसको हम लोग फोर्स कॉन्स्टेंट बोलते हैं। The force constant of a wire is given by y a by l. Okay, so try to understand it. Okay, I'm going to the next point now. Okay, अब मैं यहाँ पे next point, कोई theory point नहीं है, एक numerical में discuss कर लेता हूँ। एक type का एक problem आता है काफ़ी बार MCQs में, उस problem ऐसा होता है कि we are having one wire, ठीक है, एक wire है, उस wire पे जब हमने force लगाया T1 न्यूटन का force लगाया, ठीक है, तो वायर की जो लेंथ हमको मिली वो लेंथ है L1। जब वायर के ऊपर हमने T2 न्यूटन का फोर्स लगाया तब वायर की जो लेंथ है वो है L2। ओके, और उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि फाइंड आउट द इनिशियल लेंथ और ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है बहुत बार, ठीक है। कुछ स्टूडेंट काफ़ी इसमें कंफ्यूज होते हैं कैसे करना है। देखिए, इसमें सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये L1 L2 जो गिवन है वो क्या है। दिस L1 इज़ अ टोटल लेंथ ऑफ द वायर जब उसके ऊपर T1 फोर्स लगाया है, ठीक है। जब वायर के ऊपर आप T1 फोर्स लगाओगे तो ऑब्वियसली वायर इलांगेट होगी, ठीक है। इलांगेशन के साथ कंबाइंड जो टोटल लेंथ है वायर की, इलांगेशन मिला के जो वायर की टोटल लेंथ है, दैट इज़ L1, ठीक है। सो इमेजिन करो, मैं यहाँ पे एक सिचुएशन बना लेता हूँ। इमेजिन करो ये वायर है, ठीक है, इस वायर का इनिशियल लेंथ L है। ओके, ये L हमको फाइंड आउट करना है। ओके, और जब आपने इसके ऊपर T1 फोर्स लगाया, लेट्स से वी अप्लाइड द फोर्स T1, तब इसमें जो इलांगेशन आया, द इलांगेशन वो है डेल्टा L1। ओके, सिमिलरली वायर का लेंथ L, सिमिलरली जब इस वायर के ऊपर हमने T2 फोर्स लगाया तो इलांगेशन आया इस वायर में डेल्टा L2, ठीक है। तो अभी करना क्या है, ध्यान से रखो, L प्लस डेल्टा L1 अगर मैं लिखूँ तो ये क्या हो गया, ये टोटल लेंथ हो गई ना, वो टोटल लेंथ आपको गिवन है L1, तो ऐसा इसको समझना है। और सेकेंड डायग्राम देखो, L प्लस डेल्टा L2, इट्स अ टोटल लेंथ ऑफ द वायर विल बी L प्लस डेल्टा L2, वो टोटल लेंथ आपको लिखनी है L2 लाइक दिस।
सबसे पहले आप इसको समझ लो जो मैंने लिखा है, ठीक है। अब इस सम को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले आपको ये पता होगा कि जब वायर के ऊपर आपने फोर्स लगाया है, इलांगेटिंग जो फोर्स लगाया है, फोर्स एंड इलांगेशन आर डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये इट्स नथिंग बट हुक्स लॉ एक्चुअली। याद रखिए, हुक्स लॉ का आप ऐसे भी लिख सकते हो, फोर्स प्रोपोर्शन और इलांगेशन, ठीक है। और ये प्रोपोर्शनलिटी हटा के कुछ कॉन्स्टेंट होगा जिसको हम लोग के लिख देते हैं। तो जो फोर्स है उसको मैं लिखता हूँ टी वन, सपोज कॉन्स्टेंट मैंने डाला के, इलांगेशन को मैं लिखूँगा डेल्टा एल वन। ओके, सो टी वन इक्वल्स टू सम कॉन्स्टेंट के इंटू डेल्टा एल वन। डेल्टा एल वन को हम लोग लिख सकते हैं एल वन माइनस एल, ठीक है। थोड़ा समझिए, इसमें से मैंने यूज़ किया, ठीक है। तो मुझे एक इक्वेशन मिल रही है, इक्वेशन नंबर वन। सिमिलरली मैं इक्वेशन टू भी बना सकता हूँ, टी टू के टाइम एल टू माइनस एल, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो हमें मिलेगा टी वन बाय टी टू इक्वल्स टू एल वन माइनस एल अपॉन एल टू माइनस एल, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैपिटल एल को फाइंड आउट कर सकते हो इजीली, एनीबडी कैन डू इट। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस आई एम लीविंग अप टू यू एज एन एक्सरसाइज। सॉल्व करने पे आपको आंसर आएगा एल वन टी टू माइनस एल टू टी वन डिवाइडेड बाय टी टू माइनस टी वन, ठीक है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ये आंसर याद कर लो, याद हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज समझ के लो। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एग्जैक्टली क्या किया मैंने इस क्वेश्चन में, कैसे गिवन है, क्यों मैंने ये पॉइंट यूज़ की, कैसे किया, वो सब समझ गया तो आपको फिर याद करने की नीड नहीं रहेगी आंसर, आप खुद फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो इसमें ये जो एल वन एल टू गिवन है वो थोड़ा समझो। एल वन एल टू आर द फाइनल लेंथ ऑफ टू वायर्स। ओके, सो आई होप यू गॉट दिस थिंग, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट एक टाइप का और टाइप का प्रॉब्लम मैं बता देता हूँ। ओके, सो एक और टाइप का प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। इसमें ये टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि सपोज वी आर हैविंग फोर वायर्स, चार वायर्स हैं, चारों वायर सेम मटेरियल की बनी हुई है, दे आर मेड फ्रॉम सेम मटेरियल, ठीक है। लेकिन चारों वायर के डायमेंशंस अलग अलग हैं, मतलब लेंथ ऑफ द वायर्स आर एल वन एल टू एल थ्री एल फोर, और क्रॉस सेक्शन रेडियस वो है आर वन आर टू आर थ्री आर फोर। सबके रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन भी अलग अलग हैं, वो गिवन होंगे। अब इसमें से पूछा जाता है कि अगर इन सब वायर्स के ऊपर हम लोग सेम फोर्स अप्लाई करें, इफ़ वी अप्लाई सेम फोर्स ऑन ऑल द वायर्स, ठीक है, सो फाइंड आउट करो कौन सी वायर में इलांगेशन मैक्सिमम होगा, ठीक है, देन विच वायर इलांगेट मैक्सिमम। तो फोर्स आप सेम लगा रहे हो लेकिन सेम फोर्स के बावजूद कौन सी वायर सबसे ज़्यादा एलोंगेट होगी वो पूछते हैं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें आप क्या करो, सबसे पहले यंग्स मॉडल्स की बेसिक फॉर्मूला आपको पता है, इट्स फोर्स डिवाइड बाय एरिया इनटू इलांगेशन। चलो इलांगेशन को मैं एक्स लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये यंग्स मॉडल्स की बेसिक फॉर्मूला है, एफ बाई ए इज़ ए स्ट्रेस, एक्स अपॉन एल इज़ ए स्ट्रेन, ठीक है। तो इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि किस कौन सी वायर सबसे ज़्यादा एलोंगेट होगी। तो एक्स ऑफ द वायर इज गिवन बाय एफ एल डिवाइड बाय वाई ए, ठीक है। अब एफ जो है ये एफ फोर्स है एक्टिंग ऑन द वायर, फोर्स तो सारी वायर्स के ऊपर सेम लगा रहे हो आप, राइट। मतलब इस क्वेश्चन में एफ कॉन्स्टेंट है, चारों वायर एक ही मटेरियल की बनी हुई है, इसलिए यंग्स मॉडल्स भी चारों वायर का सेम होगा, वाई भी कॉन्स्टेंट है। अब ऐसा बोल सकते हैं दैट फॉर दिस क्वेश्चन एफ एंड वाई आर कॉन्स्टेंट, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। ओके, अब ए क्या है, एरिया ऑफ वायर विच इज़ रिटन एज पाई आर स्क्वायर। अब इसमें पाई भी कॉन्स्टेंट है, मैं बोल रहा हूँ एक्स इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई आर स्क्वायर। सो जिस वायर का एल अपॉन आर स्क्वायर रेशियो सबसे ज़्यादा होगा, द वायर फॉर विच एल बाई आर स्क्वायर रेशियो सबसे ज़्यादा होगा, उसी वायर का इलांगेशन सबसे ज़्यादा होगा,
ओके, बिल्कुल सिंपल बात है। एक्स उस वायर का ज़्यादा होगा, एलॉन्गेशन उस वायर का ज़्यादा होगा जिसका एल बाय आर स्क्वायर का रेशियो ज़्यादा होगा। तो ऐसे को ऐसे में क्या करना है, ये जो आपको एल और आर गिवन है, चारों वायर का एल बाय आर स्क्वायर का रेशियो फाइंड कर लेना, ठीक है। इसमें अगर आर मिलीमीटर्स में गिवन है तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सारे के सारे आर मिलीमीटर्स में होंगे, कोई कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा आप क्या कीजिए, हर वायर का एल बाय आर स्क्वायर निकाल लीजिए विदाउट कन्वर्टिंग मिलीमीटर मीटर और समथिंग। जिसका एल बाय आर स्क्वायर सबसे ज़्यादा होगा वो वायर सबसे ज़्यादा एलोंगेट होगी। ओके, सो आई होप यू गॉट दिस टाइप ऑफ अ प्रॉब्लम, ठीक है। मैं नेक्स्ट एक पॉइंट बता रहा हूँ, उस पॉइंट थियोरेटिकल पॉइंट है, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट पॉइंट नाउ, ओके नेक्स्ट पॉइंट नाउ, ओके सो नेक्स्ट पॉइंट ये है, स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू डबल द लेंथ ऑफ अ वायर इज इक्वल टू इट्स यंग्स मॉडुलस। दिस वायर इज अ यंग्स मॉडुलस, मतलब अगर कोई वायर है जिसको आपने खींचा सो दैट उसकी लेंथ डबल हो गई, तो उस वायर में जो स्ट्रेस होगा वो यंग्स मॉडुलस के इक्वल होता है, ठीक है। ये कैसे होता है, ध्यान से इस पॉइंट का आपको याद रखनी है ये पॉइंट, लेकिन इसका मैं प्रूफ भी बता देता हूँ। इमेजिन एक वायर है जिसका लेंथ एल है, अब इस वायर के ऊपर आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने पे वायर स्ट्रेच हो गई, और स्ट्रेच कुछ ऐसे हुई कि वायर की लेंथ हो गई 2L, मतलब वायर की लेंथ डबल हो गई, राइट। तो इसमें अगर कोई आपको पूछेगा कि स्ट्रेन कितना है, स्ट्रेन इज गिवन बाय चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। सो चेंज इन लेंथ आएगा 2L माइनस L, दैट इज द चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ विच इज L। ये आप सॉल्व करो तो आपका आएगा 1, मतलब इस वायर में जो स्ट्रेन आया हुआ है स्ट्रेन की वैल्यू 1 है। यंग्स मॉडुलस ऑफ अ वायर इज गिवन बाय स्ट्रेस ऑन द वायर अपॉन स्ट्रेन ऑफ द वायर, ठीक है। स्ट्रेन तो 1 है, तो 1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो आपको वाई आएगा स्ट्रेस के इक्वल। सो स्ट्रेस मस्ट बी इक्वल टू द यंग्स मॉडुलस व्हेन स्ट्रेन इज 1, ठीक है। तो ये इस पॉइंट का प्रूफ है, ठीक है। तो याद रखिए जब वायर की लेंथ अगर डबल हो गई है तो उसमें जो स्ट्रेस होगा वो वाई के इक्वल होगा। ओके, सो आई होप यू गॉट दिस, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट आपको याद होगा, थोड़ी देर पहले हमने फाइंड किया फोर्स कॉन्स्टेंट ऑफ अ वायर, ठीक है। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे फोर्स कॉन्स्टेंट ऑफ एटम्स। हालांकि इसको ऐसे बोला नहीं जाता है, इसको कहा जाता है इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट, इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा पहले समझा देता हूँ, ठीक है। जब ये हम लोग दो एटम्स लेते हैं, लेट्स से ए एंड बी आर द टू एटम्स, ठीक है। तो ये जब एटम्स एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होते हैं, लेट्स से दैट डिस्टेंस आर नॉट, जब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होते हैं आर नॉट, तब क्या होता है, इन दोनों एटम्स के बीच में जो नेट अट्रैक्शन फोर्स है दैट इज बैलेंस्ड बाय द रिपल्शन फोर्स। ओवरऑल फोर्स ऑन द एटम जीरो होता है, मतलब ये एटम्स इक्विलिब्रियम में होते हैं। सो व्हेन दीज एटम्स आर इन इक्विलिब्रियम दैट मीन्स फोर्स ऑन द एटम्स इज जीरो, तब वो जो डिस्टेंस होता है दोनों के बीच में आर नॉट डिस्टेंस बोलते हैं इसको, ठीक है। अब होता क्या है कि अब अगर आपने इस ए और बी एटम्स को स्ट्रेच किया, ठीक है, एज यू स्ट्रेच दिस एटम्स ए एंड बी, ठीक है, स्ट्रेच किया मतलब आपने इन दोनों को एक दूसरे से दूर खींचा, ठीक है। सो क्या होगा, इनके बीच में जैसे आप इनको ऐसे थोड़ा खींचेंगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ऐसे खींच दिया दोनों को, ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो इलॉन्गेट हो गया, तब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स एक्सर्ट करेंगे, अब अट्रैक्शन ज़्यादा होने लगेगा दोनों के बीच में, और ये वापस एक दूसरे को खींच के आर नॉट डिस्टेंस पे जाने की कोशिश करेंगे फिर से, दे वॉन्ट टू कीप देम सेल्फ अगेन एट आर नॉट डिस्टेंस। तो खींचने पे इन दोनों एटम्स को ये वापस अपनी तरफ जाने की कोशिश करते हैं। ये जो फोर्स है दोनों के बीच में इसको मैं रिस्टोरिंग फोर्स बोल सकता हूँ,
ठीक है। तो ये एटम्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कुछ कुछ स्प्रिंग की तरह ही बिहेव कर रहे हैं। स्प्रिंग को भी जब हम लोग नॉर्मल लेंथ से, नेचुरल लेंथ से खींचते हैं तो स्प्रिंग वापस अपनी प्लेस पे जाने की कोशिश करती है। सेम वे इन एटम्स को भी, जब आर नॉट डिस्टेंस पे थे देवर इन इक्विलिब्रियम, जैसे हमने इसको खींचा एक दूसरे से, स्ट्रेच किया ए और बी को, तो वापस ये दोनों एक दूसरे को खींचने लगते हैं। तो ये कुछ कुछ स्प्रिंग की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो जैसे हर स्प्रिंग का एक स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, वैसे यहाँ पे भी इस दो एटम्स का भी जो सिस्टम है, इट्स अ सिस्टम ऑफ टू एटम, इनका भी एक स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। तो इनका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है के, दैट इज फोर्स कांस्टेंट है जो है, उसको बोलते हैं इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट। अब इसका प्रूफ काफ़ी लेंदी है, के को फाइंड करने का जो प्रूफ है, तो इसलिए मैं प्रूफ अवॉइड कर रहा हूँ, सीधा मैं एक डायरेक्ट फॉर्मूला दे रहा हूँ। इस फॉर्मूला पे आप ध्यान दो, के इज गिवन बाय वाई इंटू आर नॉट, दिस इज इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट। यहाँ पे जो वाई है, इट्स अ यंग्स मॉडुलस ऑफ दैट मटेरियल इन विच द ए एंड बी एटम्स लाइज। समझिए ए और बी एटम स्टील के एटम्स हैं, सो वाई इज अ यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील। आर नॉट इज अ इंटर एटॉमिक डिस्टेंस वेन दीज एटम्स आर इन इक्विलिब्रियम, जब ये एटम्स इक्विलिब्रियम में है तब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आर नॉट है। सो वाई इंटू आर नॉट करने पर वी विल गेट द वैल्यू ऑफ के। सो पहले हमने डिस्कस किया था के ऑफ द वायर, याद है के ऑफ द वायर कितना होता है? के ऑफ द वायर वॉज वाई ए बाई एल, इफ यू रिमेम्बर। अब यहाँ पे है वाई इंटू आर नॉट। सो आई होप यू गॉट दिस टू फॉर्मूलाज, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारी जो है वो बल्क मॉडुलस से रिलेटेड है, ठीक है। ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ द बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस इज डिनोटेड बाय के सिंबल एंड इट इज, बल्क मॉडुलस इज डिफाइंड एज वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, ठीक है। तो वॉल्यूम स्ट्रेस होता है डी पी, दैट इज एक्सेस प्रेशर, डिवाइड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेन को मैं लिखता हूँ डी वी अपॉन वी, और माइनस साइन भी होता है। नेगेटिव साइन एक्चुअली इंडिकेट दैट एज प्रेशर इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस। सो डी पी इज अ चेंज इन प्रेशर, क्योंकि आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो डी पी पॉजिटिव आएगा, लेकिन वॉल्यूम बॉडी का डिक्रीज होता है, सो चेंज इन वॉल्यूम विल बी नेगेटिव, डी वी विल बी नेगेटिव, दैट्स वाई माइनस साइन आती है। सो ऑल ऑफ यू आर अवेयर विद दिस फार्मूला ऑफ द बल्क मॉडुलस, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज ये गैस है, गैस इन अ कंटेनर, इट्स अ गैस इन अ कंटेनर, ओके, और इसके ऊपर हमने पिस्टन फिट किया है, ठीक है। अगर मैं इस गैस के ऊपर जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा हूँ, दैट प्रेशर इफ आई इंक्रीज बाय डी पी, सो वॉल्यूम ऑफ द गैस विल डिक्रीज बाय डी वी, ठीक है। तो ये डी पी डी वी हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके के निकाल सकते हैं, दैट विल बी द के ऑफ द गैस। बल्क मॉडल्स ऑफ अ गैस वी कैन फाइंड आउट यूजिंग दिस फॉर्मूला, ओके। नाउ अब होता क्या है कि जब आप गैस के ऊपर, क्या बोला मैंने, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम डिक्रीज होगा, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चेंज होने वाले हैं, ठीक है। जब गैस का प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो रहा है, मतलब गैस इज अंडर गोइंग अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। जब गैस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के, व्हेन द गैस अंडरगो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, उसका प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होता है, ठीक है। अब जो प्रोसेस है, आप प्रेशर को चेंज कर रहे हो, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, ये प्रोसेस आपका आइसोथर्मल प्रोसेस हो सकता है, इस प्रोसेस में भी आइसोथर्मल, और द प्रोसेस मे बी एडियाबेटिक, ओके। सो गैस मे अंडरगो आइसोथर्मल प्रोसेस, ओके, आइसोथर्मल प्रोसेस में भी प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होता है, एंड द गैस मे ऑल्सो गो अंडर एडियाबेटिक प्रोसेस, उसमें भी प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होता है, ठीक है। अब एक पॉइंट सिंपल होती है कि अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है, सो पी वी, द प्रोडक्ट ऑफ पी वी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, और अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है तो पी वी पावर गामा, दिस इज कॉन्स्टेंट, राइट, दिस यू नो, ठीक है। तो ये जो गैस है इसकी पी वी के बीच में रिलेशन मैंने लिखा है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ विथ रिस्पेक्ट टू वी और विथ रिस्पेक्ट टू पी, एनी थिंग यू कैन डू, सब इफ़ यू टेक अ डेरिवेटिव ऑफ दिस, डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू वी सपोज, तो डेरिवेटिव कुछ ऐसा होगा पी प्लस वी
डी पी बाय डी वी इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट विल बी ज़ीरो, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये टर्म का वहाँ शिफ्ट कर दो तो माइनस वी डी पी बाय डी वी इक्वल्स टू पी, ठीक है। तो ये कंडीशन आ रही है। अब ध्यान से देखिए, ये जो टर्म है इट इज़ नथिंग बट दिस वन, मतलब ये बल्क मॉडुलस है। सो आई कैन से द बल्क मॉडुलस ऑफ अ गैस इज इक्वल टू पी। ये कब है? जब गैस इज अंडर गोइंग आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। तो अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस इफ यू आर फाइंडिंग द बल्क मॉडुलस, दैट बल्क मॉडुलस विल बी सिंपली इक्वल टू द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द गैस। हियर पी डिनोट्स इनिशियल प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है। सिमिलरली जैसे मैंने यहाँ पर डेरिवेटिव लिया विथ रिस्पेक्ट टू वी, अगर एडियाबेटिक प्रोसेस में भी इफ़ यू टेक अ डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वी, ठीक है, उसको सॉल्व कीजिए, इसमें गामा कॉन्स्टेंट है, ओके, हियर गामा इज कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव लेने पे आपको कुछ ऐसा मिलेगा, पी गामा वी रेस टू गामा माइनस वन प्लस वी रेस टू गामा डी पी बाय डी वी इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। डेरिवेटिव मैंने बता दिया, इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए तो आपको के बल्क मॉडल्स मिल जाएगा अंडर एडियाबेटिक कंडीशन। अंडर एडियाबेटिक कंडीशन के कम्स टू बी गामा टाइम्स द पी, ओके। सो ये पॉइंट है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिए, मैं फिर से रिपीट कर लेता हूँ। के ऑफ एनी गैस इफ़ यू विश टू कैलकुलेट, तो उसके लिए फॉर्मूला है माइनस वी डी पी बाई डी वी, वेयर डी पी इज़ ए इंक्रीज इन प्रेशर ऑन द गैस एंड डी वी इज़ ए डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द गैस। अब जब गैस का प्रेशर और वॉल्यूम आप चेंज करते हो, ओके, सो ऑब्वियसली जब प्रेशर और वॉल्यूम गैस का चेंज होता है तो वो आइसोथर्मल प्रोसेस हो सकता है, एडियाबेटिक प्रोसेस भी हो सकता है। इफ़ यू आर चेंजिंग द प्रेशर एंड वॉल्यूम अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस, द के कम्स टू बी इक्वल टू द पी, एंड व्हेन यू आर चेंजिंग द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस अंडर एडियाबेटिक कंडीशन दिस चेंजेस आर ब्रॉट, देन के विल बी इक्वल टू गामा टाइम्स द पी, ओके। सो रिमेंबर, आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू पी एंड द एडियाबेटिक बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू गामा टाइम्स पी। इसमें आपको पता होगा कि गामा क्या होता है, गामा इज सी पी बाय सी वी रेशो ऑफ दैट गैस, ठीक है, इट्स अ रेशो ऑफ सी पी बाय सी वी, ओके। सो नाउ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ओके। सो नाउ वील हैव अ रिलेशन बिटवीन पॉइजॉन्स रेशो एंड वॉल्यूम स्ट्रेन, ठीक है। अब सबको याद होगा कि पॉइजन्स रेशो बेसिकली क्या होता है। पॉइजन रेशो इज डिफाइंड एज माइनस लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्जिनल स्ट्रेन, ठीक है। आई होप यू नो दिस पॉइंट, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग कोई वायर लेते हैं, लेट्स से इफ़ यू टेक अ वायर, इलास्टिक वायर ले लेते हैं, तो वायर is always cylindrical in shape, we can assume that wire is cylindrical in shape, so the volume of the wire V, it is given by pi r square L, ठीक है। अब होता क्या है कि Poisson's ratio की अगर आप formula देखोगे तो ये है lateral strain divided by longitudinal strain। तो जब भी हम Poisson's ratio find करते हैं तो wire को stretch किया जाता है, उस wire का radius change हो रहा है और length भी change हो रही है। जब wire का radius और length change हो रहा है तो वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है, ठीक है। इट मींस इन सिंपल वर्ड्स, जब वायर में लैटरल स्ट्रेन आ रहा है और वायर में लॉन्जिनल स्ट्रेन आ रहा है तो वायर में वॉल्यूम स्ट्रेन भी आ सकता है। तो आज हमें पॉइजन रेशो और वॉल्यूम स्ट्रेन के बीच का रिलेशन निकालना है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर लेता हूँ, अज्यूम करो एक वायर है, उस वायर का मुझे पॉइजन रेशो निकालना है, तो उसकी फॉर्मूला है लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिनल स्ट्रेन। तो पॉइजन रेशो फाइंड करने के लिए लैटरल स्ट्रेन और लॉन्जिनल स्ट्रेन मुझे फाइंड करना होगा। जब वायर में आप लैटरल स्ट्रेन और लॉन्जिनल स्ट्रेन लाते हो तब वायर में वॉल्यूम स्ट्रेन भी आएगा, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, इस फॉर्मूला को लेट्स डिफरेंशिएट दिस फॉर्मूला विथ रिस्पेक्ट टू एल, और यू कैन ऑल्सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू आर, ठीक है। कोई भी आप डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आर और एल ले सकते हो, तो डी वी बाई डी एल, यहाँ पर जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो विल बी पाई आर स्क्वायर प्लस पाई एल 2R dr by dl, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, जस्ट ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो dl है उसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो,
डी वी इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर डी एल प्लस पाई टू एल आर डी आर, ये इक्वेशन आ जाएगी आपको। अब क्या करने का है, दोनों साइड आप डिवाइड करो, डिवाइड बोथ साइड्स बाय वॉल्यूम ऑफ द वायर, ठीक है। लेकिन वायर का जो वॉल्यूम है उसको आप पाई आर स्क्वायर एल भी लिख सकते हो, डिवाइड बोथ साइड्स बाय पाई आर स्क्वायर एल। सो यहाँ पे आएगा डी वी बाय वी पाई आर स्क्वायर डी एल डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर एल प्लस टू पाई एल आर डी आर डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर एल, ठीक है। तो अब जो जो टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं उनको आप कैंसिल कर दो, आपको एक टर्म मिलेगा डी वी बाय वी इक्वल्स टू डी एल बाई एल प्लस टू टाइम डी आर बाय आर, ठीक है, ये टर्म आएगा। अब क्या करना है, एक लास्ट स्टेप है, राइट हैंड साइड से यू टेक डी एल अपॉन एल कॉमन, इफ यू टेक डी एल अपॉन एल कॉमन इट बी वन प्लस टू डी आर बाय आर डिवाइडेड बाय डी एल बाई एल, ठीक। अब ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे जो टर्म है डी वी बाय वी इट इज नथिंग बट वॉल्यूम स्ट्रेन, राइट। राइट हैंड साइड पे जो है डी एल बाय एल, डी एल बाय एल, डी एल बाय एल को तो मैं लॉन्जिनल स्ट्रेन भी बोल सकता हूँ, इट्स अ लॉन्जिनल स्ट्रेन, ठीक है, वन। अब राइट हैंड साइड पे आप देखोगे तो ये जो टर्म है डी आर अपॉन आर डिवाइडेड बाय डी एल अपॉन एल, ठीक है, डी आर अपॉन आर डिवाइड बाय डी एल अपॉन एल, इसको आप माइनस सिग्मा भी लिख सकते हो, वन माइनस टू सिग्मा, वेयर सिग्मा इज अ पॉइजन रेशियो। सो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन व्हेन पॉइजन रेशियो इज गिवन, ठीक है। वॉल्यूम स्ट्रेन प्रोड्यूस इन द वायर इज गिवन बाय डी एल बाई एल इन द ब्रैकेट वन माइनस टू सिग्मा। अब आपने थियरी में ये पढ़ा होगा कि जो सिग्मा होता है, द प्रैक्टिकली द वैल्यू ऑफ सिग्मा लाइज फ्रॉम जीरो टू 0.5, प्रैक्टिकल वैल्यू, मतलब जो नेचुरली ऑकरिंग मटेरियल्स होते हैं, मेटल्स मिनरल्स एनीथिंग, नेचुरली जो ऑकरिंग मटेरियल है उनका जो सिग्मा होता है 0 से 0.5 के बीच में होता है, तो सिग्मा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 0.5। अगर किसी मटेरियल का सिग्मा 0.5 है, ये वैल्यू मैं फाइनल इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, इफ़ यू पुट हेयर इन द फाइनल एक्सप्रेशन इफ़ यू पुट सिग्मा है 0.5, सिग्मा 0.5 आप पुट करके देखो आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ज़ीरो आएगा जब आप सिग्मा को 0.5 पुट करोगे। तो इसका मतलब है द मटेरियल्स जिनका सिग्मा 0.5 होता है, ओके, द मटेरियल्स हुज सिग्मा इज 0.5, ऐसे मटेरियल्स में जब आप ऐसे मटेरियल्स को खींचते हो तो उनका वॉल्यूम स्ट्रेन ज़ीरो आता है, मतलब वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल डू नॉट चेंज। सो देर इज़ अ चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो व्हेन सिग्मा ऑफ द मटेरियल इज 0.5, ओके। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। रिमेंबर द मटेरियल जिसका सिग्मा 0.5 होता है, ऐसे मटेरियल में वॉल्यूम चेंज नहीं होता है खींचने पर, वॉल्यूम स्ट्रेन कम्स ज़ीरो, वॉल्यूम स्ट्रेन ज़ीरो मतलब वॉल्यूम रिमेन अनचेंज्ड, ओके। आई होप यू गॉट दिस, ओके। नेक्स्ट पॉइंट एक डिस्कस करते हैं जो डेंसिटी के ऊपर बेस्ड है। सी, आपने ये चीज़ तो पता है कि अगर हम लोग कोई भी एक बॉडी लें, लेट्स से ये बॉडी है जिसका मास एम है, ठीक है, इस बॉडी के ऊपर अगर हम लोग प्रेशर इंक्रीज करें, ओके, इफ सपोज प्रेशर इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा पी, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा बाय डेल्टा वी, ठीक है, लेकिन इसका जो मास है, इस बॉडी का मास कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, वॉल्यूम कम होगा लेकिन मास कांस्टेंट रहेगा, और क्योंकि अब इसका वॉल्यूम कम हो गया, ठीक है, तो इसकी डेंसिटी इंक्रीज होगी, सब्सटेंस विल बिकम मोर डेंसर, ठीक है। डेंसिटी इज गिवन बाय मास अपॉन वॉल्यूम, दिस एम इज कॉन्स्टेंट, दैट्स वाई डेंसिटी इज इनवर्सली प्रपोर्शन टू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम डिक्रीज्ड दैट्स वाई डेंसिटी इंक्रीज्ड, ठीक है। सपोज हमें इसकी न्यू डेंसिटी फाइंड करनी है, डेंसिटी इंक्रीज हुआ, हमें इसकी न्यू डेंसिटी फाइंड करनी है, तो मेथड क्या है वो ध्यान से देखो। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, डेंसिटी इज गिवन बाय मास अपॉन वॉल्यूम,
तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डेंसिटी इज मास वॉल्यूम रेस्ट माइनस वन। अगर आप इसका डेरिवेटिव लोगे विथ रिस्पेक्ट टू वी, डी रो डिवाइड बाई डी वी एम, डेरिवेटिव ले लो तो आपको आएगा माइनस रेस्ट माइनस टू। ओके अब देखो डी रो डिवाइडेड बाई डी वी, वी स्क्वायर हो जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में, जो जिसको मैं लिखता हूँ वी इंटू वी। अब एक एम और एक वी को लेके अब रो लिख दो, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इससे एक फॉर्मूला आती है जो बहुत ईजी है एक्चुअली, डी रो बाय रो इक्वल्स टू माइनस डी वी बाय वी, ठीक है ठीक है ठीक है। इट्स अ सिंपल मैथमेटिक्स बट इसका फिजिकली मीनिंग बताता हूँ। डी रो बाय रो यहाँ पे जो लिखा है लेफ्ट हैंड साइड पे, डी रो बाय रो इट्स अ फ्रैक्शनल चेंज इन द डेंसिटी, ठीक है। फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी इट्स इक्वल टू फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। माइनस साइन एक्चुअली ये इंडिकेट करता है कि अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी इंक्रीज होगी। अगर सपोज वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो डी वी आप नेगेटिव में सब्सटीट्यूट करेंगे और एक नेगेटिव साइन की वजह से टोटल डी रो पॉजिटिव आएगा, मतलब डेंसिटी विल इंक्रीज। सो नेगेटिव साइन इंडिकेट डेंसिटी एंड वॉल्यूम आर इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये जो हमें इक्वेशन मिली, दिस आई एम गिविंग एज ए इक्वेशन नंबर वन। ओके अब देखिए ये फॉर्मूला आपको पता है दैट बल्क मॉडुलस ऑफ दिस बॉडी के ऑफ द बॉडी इज गिवन बाय माइनस वी डी पी बाय डी वी। तो यहाँ से भी आप क्या करो, माइनस डी वी बाय वी की वैल्यू कैलकुलेट करो, इट विल बी इक्वल टू डी पी बाय के, राइट। इक्वेशन नंबर टू, नाउ इफ यू कंपेयर इक्वेशन वन एंड टू, इक्वेशन वन एंड टू अगर आप कंपेयर करोगे तो दोनों में माइनस डी वी बाय वी है। सो इससे मैं लिख सकता हूँ डी रो बाय रो इक्वल्स टू डी पी बाय के। ओके अब इसमें डी रो क्या है, इट्स अ चेंज इन डेंसिटी विच कैन बी रिटन एज फाइनल डेंसिटी माइनस इनिशियल डेंसिटी डिवाइड बाय रो डी पी बाय के, ठीक है। थोड़ा समझो इस इक्वेशन को। सो रो डैश इज अ फाइनल डेंसिटी, राइट। अब इसको आप थोड़ा सॉल्व करो आगे तो यू गेट अ रो डैश बाय रो इक्वल्स टू वन प्लस डी पी बाय के। सो हेयर वी गॉट द फाइनल फॉर्मूला, रो डैश इक्वल्स टू रो इन द ब्रैकेट वन प्लस डेल्टा पी बाय के। ये फॉर्मूला आपको तब यूज़ करनी है जब आपको फाइनल डेंसिटी निकालनी हो, यू नीड टू फाइंड फाइनल डेंसिटी, ठीक है। और अगर आपको फाइंड आउट करना है फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी, ये फॉर्मूला आपको ध्यान से रखो, इट विल गिव यू द फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी, डी रो बाय रो इक्वल्स टू डी पी बाय के, ठीक। अगर फॉर्मूलाज याद नहीं हो रही है तो एटलीस्ट मेथड समझ के लो सो दैट यू कैन डिराइव ऑन योर ओन ऑल्सो, ठीक है। तो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर वेरिएशन ऑफ डेंसिटी। ओके सो आई होप यू गॉट दिस। एक छोटा सा फाइनल पॉइंट बाकी है जो मैं बता देता हूँ, लेट्स सी द लास्ट पॉइंट नाउ। ओके सो लास्ट पॉइंट, फ्रैक्शनल चेंज इन द रेडियस ऑफ द स्फीयर। कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से देखिए ये जो डायग्राम दिख रहा है, इट्स अ सपोज इट कंटेन्स अ लिक्विड, उस लिक्विड के ऊपर पिस्टन रखा हुआ है। अब इस लिक्विड के अंदर लेट्स से यहाँ पे एक स्फीयर है, इट्स अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर वॉल्यूम वी, ठीक है। सो ये स्फीयर है इसके ऊपर। अब सपोज इस पिस्टन के ऊपर हमने एक छोटा सा ब्लॉक रख दिया ऑफ मास एम, ठीक है। अगर ये मास काफ़ी ज़्यादा है, सफिशिएंट मास है, तो ऑब्वियसली ये पिस्टन को प्रेस करेगा, पिस्टन के प्रेस करने की वजह से अंदर प्रेशर बढ़ेगा और प्रेशर बढ़ने से अंदर वॉल्यूम कम हो सकता है। इसमें क्या होगा, इस एम को रखने के बाद इस स्फीयर का रेडियस डिक्रीज होगा। टुडे वी वांट टू फाइंड दैट हाउ मच रेडियस ऑफ द स्फीयर चेंजेस बिकॉज ऑफ दिस एम मास, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, द बल्क मॉडुलस ऑफ द बॉल, बल्क मॉडुलस ऑफ द बॉल इट्स गिवन बाय माइनस वी डी पी बाय डी वी, ठीक है। तो इसमें से आप क्या करो, डी वी बाय वी की वैल्यू निकालो, डी वी बाय वी विल बी माइनस डी पी बाय के, ठीक है। अब इसमें डी पी क्या है, डी पी इज अ इंक्रीज इन प्रेशर ऑन द बॉल, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर इस पिस्टन की एरिया ए है, ठीक है, तो पिस्टन पे
फोर्स आ रहा है एम जी डिवाइड बाई एरिया, ठीक है, हाउ मच इज द एडिशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द पिस्टन, इट इज एम जी, और एरिया कितनी है ए, तो दिस इज द इंक्रीज इन प्रेशर, ठीक है। रिमेंबर लिक्विड पे जो एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ रहा है वो होगा एम जी डिवाइड बाई एरिया ऑफ द पिस्टन, सो डी पी की वैल्यू मैं डाल देता हूँ, इट्स एम जी बाय एरिया, ठीक है, इंटू के, के इज अ बल्क मॉडुलस, हाँ रिमेंबर, तो ये हमें डी वी बाई वी की वैल्यू मिली, ठीक है। अब ध्यान से देखो, डी वी बाई वी जब हमें मिल गया, अब देखो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज गिवन बाय 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। इसका अगर आप डेरिवेट लोगे, ठीक है, लेट से डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू आर, ठीक है, तो आपको मिलेगा डी वी बाय डी आर इक्वल्स टू 4/3 पाई 3 आर स्क्वायर, ठीक है, डी आर बाय डी आर विच इज कैंसिल, ठीक है। सो इसको थोड़ा सॉल्व करो, आपको मिलेगा डी वी इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। दोनों साइड आप वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, डिवाइड वी ऑन द बोथ साइड्स, वॉल्यूम से डिवाइड करो, वॉल्यूम तो ये है, ठीक है, एनीबडी कैन सॉल्व, और इससे आपको मिलेगा डी वी बाई वी इक्वल्स टू 3 times डी आर बाई आर, ठीक है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ डी वी बाई वी विच इज 3 times डी आर बाई आर, और यहाँ पे भी आपके सामने डी वी बाई वी का वैल्यू है। इन दोनों इक्वेशंस को आप इक्वेट करो, एल एच एस सेम है, सो आई कैन राइट डाउन 3 times डी आर बाई आर इक्वल्स टू माइनस एम जी बाई के ए, ओके। सो इससे आपको डी आर बाई आर की वैल्यू मिलेगी माइनस एम जी बाय 3 के, ठीक है। नेगेटिव साइन जस्ट इंडिकेट दैट रेडियस हैज डिक्रीज्ड, वॉल्यूम हैज डिक्रीज्ड बिकॉज प्रेशर हैज इंक्रीज्ड ऑन द लिक्विड। नेगेटिव साइन आप इग्नोर कर सकते हो, द फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस डी आर बाई आर इज गिवन बाय एम जी डिवाइड बाय 3 के ए। इट्स अ डायरेक्ट फॉर्मूला दैट यू कैन यूज इफ यू वॉन्ट टू फाइंड द फ्रैक्शनल डिक्रीज इन द रेडियस। सो आई होप दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर, ठीक। इसके साथ ही इलास्टिसिटी की सारी पॉइंट्स जो एक्स्ट्रा थी वो हमने डिस्कस कर ली, ओके। नाउ विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर मे बी, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय।